व्हाट्सएप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर माय ब्लॉग। आज का एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले आया हूँ पंचमुखी महादेव जी के मंदिर में, जो कि आरंग में स्थित है। और यही पंचमुखी महादेव का पहला यहाँ स्वरूप यहाँ पे विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पे उनका अद्भुत रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे अंदर में उनके दर्शन कराने वाला हूँ, तो आइए अब चलते हैं बिना किसी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे मंदिर के यहाँ पे आ चुका हूँ बाहर में, और यहाँ पर देख सकते हो जो उनके मुख्य पुजारी थे स्वर्गीय श्री पूज्य फिरंताराम लोधी जी, जिनका यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। अच्छा किया है, जैसे कि हमें याद रहेगा यहाँ पे इस मंदिर में आने पे कि उनके ये मुख्य पुजारी थे करके, इस पंचमुखी महादेव मंदिर के, जिससे आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे में देख सकते हो, वहाँ पे वो बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। वहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने आप सभी लोगों को महादेव जी के दर्शन कराए थे। मैंने जैसे कि कहा था कि पंचमुखी महादेव जी के दर्शन कराए थे, वैसे ही वो एक शिवलिंग है, और यहाँ पे ऐसे ही तीन और हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तीन शिवलिंग महादेव जी के शिवलिंग यहाँ पे तीनों हैं। और फ्रेंड्स, और एक और है जो मैं दिखाता हूँ, उसके जस्ट बगल में आप सभी लोगों को मैं वो दिखलाता हूँ, वो देख सकते हो फ्रेंड्स, वो है एक और शिवलिंग। इन पांचों को मिलाकर ही पंचमुखी महादेव कहते हैं, इन पांचों को मिलाकर ही। वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ उसके पास में भी आप सभी लोगों को मैं ले जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये नंदी महाराज हैं, और यहाँ पर देख सकते हो ये है उनका पांचवा मुख, पंचमुखी महादेव जी का ये मंदिर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने आप सभी को दिखाया था। और जिन पुजारी की मैं बात कर रहा था, फिरंताराम लोधी जी, उनके यहाँ पे मठ भी यहाँ पे है। और बाकी वहाँ वो देख सकते हो, वो जो पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे महादेव जी का एक मुख था, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तीनों थे इस वाले मंदिर में, और ये वाला जो शिवलिंग है इसे देख सकते हो। तो इन को मिलाकर पूरे पंचमुखी महादेव बोला जाता है। एक और जगह है जो कि मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आइए अब। तो दोस्तों, अभी मैं आप सभी ले आया हूँ श्री गंगा कुंड में, और ये जस्ट ये मंदिर के बगल में ही है, महादेव के मंदिर के बगल में ही है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं पास में दिखलाता हूँ, यहाँ पे एक और मस्त चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कछुए हैं, जहाँ पे देख सकते हो छोटे बड़े, छोटे उम्र वाले, बड़े उम्र वाले, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कछुए हैं जिन्हें आप देख सकते हो। अभी मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को पूरे यहाँ पे पंचमुखी महादेव जी के यहाँ पे मैंने दर्शन कराए और उनके बारे में बताया। और फ्रेंड्स, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।